राजस्थान के जयपुर से मंगलवार को बड़ी वारदात सामने आई। यहां पर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह अपने घर के सोफे पर आराम से बैठे थे। इसके बाद तीन हमलावरों ने उन पर ताबड़ तोड़ गोलियां बरसा, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है, लेकिन वे फरार है। कर्णी सेना के अध्यक्ष की जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई गैंग गुरके गैंगस्टर रोहित गोदरा ने ली है, जिसके बाद लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन है और उसका उनसे सुखदेव सिंह को क्यों मारा। कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की बात लारेंस बिश्नोई के गुरके रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर लिखा कि सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर। भाइयों, आज सुखदेव गोगा मेड़ी की हत्या कर दी गई, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, यह हत्या हमने कराई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह हमारे दुश्मनों के साथ सहयोग करते थे और उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात है तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर उनकी अर्थी तैयार रखनी चाहिए और जल्द ही उनसे मुलाकात भी होगी। गोगा मेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गोदारा गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का गुरका है और पुलिस ने उसे वांटेड भी घोषित कर रखा है। साथ ही उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी है। जानकारी के अनुसार रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है। 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से भाग गए। वह कथित तौर पर 2019 में चूरू में भीमराज सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी था। गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की भी जिम्मेदारी थी। 2006 में लोकेश सिंह कालवी द्वारा स्थापित किए जाने के बाद गोगा मेड़ी लंबे समय से राजपूत कर्णी सेना से जुड़े रहे। 2008 में इसके विभाजन के बाद जब इनके अध्यक्ष अजीत सिंह मामडोली ने पार्टी छोड़ी और अपनी राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना समिति का गठन किया, तब गोगा मेड़ी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाद में कालवी और गोगा मेड़ी के बीच विवाद हो गया और कालवी को हटा दिया गया। इसके बाद गोगा मेड़ी ने राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का गठन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोगा मेड़ी को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी थी और उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, उनकी जान को खतरा है। गोगा मेड़ी की पत्नी जब कॉलोनी के मंदिर में पूजा करने जाती थी तो उसके साथ निजी बंदूकधारी भी होते थे।